विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के सम्मान में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण की बातें की जा रही हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए उन्हें सम्मानित किया जिन महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में तमाम तरह की उपलब्धियां हासिल की। मुझे बड़ी खुशी है ये बताने में कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जो सीमा संस्था है, और उनके साथ लखनऊ विश्वविद्यालय और स्पॉन्सर्स के रूप में IDFC फर्स्ट बैंक और वाइब्रेंट दुबई, इन सब ने मिलकर यहाँ महिला अचीवर्स को आज सम्मानित किया गया है। हर क्षेत्र की महिला अचीवर्स को लेकर आज सम्मान दिया गया है, खासतौर से महिला उद्यमियों को, विशेष रूप से जो स्टार्टअप्स भी चला रही हैं और बहुत हिम्मत और मेहनत के साथ काम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ महिला शिक्षाविदों को, महिला डॉक्टर्स को, महिला जो मीडिया में हैं या प्रेस में हैं उन लोगों को, और भी अन्य कल्चर और आर्ट के फील्ड में भी जो हैं, उन सबको मिलाकर यहाँ आज कई महिलाओं को सीमा और इनकी संस्थाओं द्वारा आज इस दिवस पर सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारी महिलाएँ इतना अच्छा काम कर रही हैं, आगे बढ़ के हर क्षेत्र में पुरुष से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और अचीवमेंट्स की बुलंदी पर पहुंच रही हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज इस कार्यक्रम से सब लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे आएँ और हिम्मत और मेहनत के साथ काम करके अपना योगदान समाज के लिए बढ़ाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन दिस वुमेंस डे मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि एवरी वुमन शुड हेल्प ईच अदर, दे शुड सपोर्ट अदर वुमेन। हर वुमेन को दूसरी वुमेन को का दर्द समझना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, और आज ही नहीं, आगे आने वाले हर वर्ष में, हर मोड़ पे, हर एक कदम पे उनको सपोर्ट करना चाहिए।